हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। सैटरडे की सुबह थी कुछ ऐसी। सैटरडे की शुरुआत करते हैं नींबू पानी से, नींबू पानी हनी, जो कि ऑलमोस्ट मैं डेली ले ही लेती हूँ गर्म पानी के साथ। और ये हो गई मेरी मॉर्निंग, और मॉर्निंग में चाहिए चाय। चाय के बिना मॉर्निंग नहीं होती यार। के बाद मैंने बनाया यूँ गर्मा गर्म चाय अदरक के साथ। अदरक वाली चाय मेरी फेवरेट है, और मैं डेली ही अदरक वाली चाय पीती हूँ, जो कि आई नो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट नहीं होता मेरा बिना अदरक के। और ये बना ली मैंने एक कप, पूरी फुल कप ऑफ टी, और ये चली मैं पीने। हाँ, मैं चाय ऐसे नहीं पीती, उसके साथ दो बिस्किट, ये तो मैंडेटरी है भाई। सिंपल वाली लेती हूँ, अरारोट बिस्किट। और आप लोग क्या करते हो सुबह सुबह? आप लोग कैसे चाय के साथ बिस्किट लेते हो या नहीं, बताओ मुझे। ये फिर हम गए रेडी होने, क्योंकि आज जाना था हॉस्पिटल मेरे रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए। तो ये हॉस्पिटल के लिए निकल गए हम लोग। रास्ते में हॉस्पिटल थोड़ा दूर था, एक्चुअली हमारे घर से कुछ 1.5 आवर का था, तो वहाँ जा रहे थे हम लोग। ये हो गई मैं रेडी बिल्कुल। ये मैंने ये ड्रेस पहना था, और ये मेरी बेटी है वान्या। थोड़ा स्टाइल स्टाइल हो जाए थोड़ी बालों को संवारते हुए ये पहुंच गए हम लोग हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का व्यू कुछ ऐसा था, क्यों मैं खड़े रहना पड़ा। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, खाली था हॉस्पिटल, बट हाँ रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा लाइन में लगना था। और वानिया को तो कहीं पे भी बस मोबाइल और गेम ही चाहिए, हॉस्पिटल में भी वो गेम ही खेल रही थी। वैसे बहुत टाइम लग जाता है यार इन सारे हॉस्पिटल में, एक सुबह जाने के बाद शाम हो जाती आते आते। ये हॉस्पिटल में खड़े थे हम लोग, क्या ही करते, डॉक्टर का वेट कर रहे थे। और ये बस अपने गेम में लगी हुई है, अपने फ़ोन में लगी हुई है। मैं बोल रही थी रख दो यार रख दो, पर नहीं, और कोई काम नहीं है हॉस्पिटल में। बस बोर हो जाते हैं यार बच्चे, तो और भी ज़्यादा बोर होते हैं। ये हम लोग पहुँच के लंच करने, बहुत तेज़ भूख लगी थी, हम लोग ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गए थे, सिर्फ और सिर्फ चाय पी के घर से निकले थे। तो हम लोगों ने खाया खाना, और उसके बाद ये बोर होते हुए वान्या बोल रही है कब घर चलेंगे, मेरे टॉय मुझे बुला रहे हैं एंड ऑल। फिर हो गया, डॉक्टर से चेकअप वगैरह हुआ, फिर ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर हम लोग ये यहाँ पर मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन लेने के बाद फिर अपने एक रिलेटिव के घर जाना था, वहाँ के लिए रेडी हुए। और देखो उनके घर पहुँच गए। यहाँ पर हो रही थी गणेश पूजा की विसर्जन, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये लाइटिंग इतने अच्छे से करा था इन्होंने, लाइटिंग भी थी, और अरे यहाँ का तो विसर्जन के ढोल सुनोगे तो बस मज़ा ही आ जाएगा, फिर तो खुद ही खुद पाँव चलने लग जाता है डांस के लिए। तो नीचे आंटियाँ खड़ी थी, वो लोग सारे आपस में खुद ही शुरू हो गए डांस कर रहे थे। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बस विसर्जन की तैयारी हो रही थी, यहाँ पास में ही मंदिर था। ये वान्या अपने अंकल के साथ आ रही है वॉक कर करके ये भी पूजा देखने गई थी, विसर्जन देखने गई थी, ये वापस आ गई घर पे। हाय। और ये शुरू हो गए विसर्जन के ढोल और ये डांस, साउथ के डांस और साउथ के गाने। ओ बहुत मज़ा आता है यार, मेरे को तो अब तो बहुत पसंद आने लग गया। पहले जब साउथ में नहीं थी तो इतना ज़्यादा देखती भी नहीं थी, म्यूज़िक वगैरह सुनती भी नहीं थी। साउथ वाले म्यूज़िक की बात कर रही हो, तो अभी जब इधर आ गई हूँ तो हमेशा ये सब दिखता रहता है, और मेरे को सच्ची अब तो अच्छा लगने लग गया है। ये बहुत देर तक चला ये सारा फंक्शन, बहुत देर तक ये डांस वांस सब होता रहा। ढोल, इतने बड़े बड़े ढोल बज रहे थे, और देखो देखो डांस देखो, वाओ इन लोगों में यार इतनी, मतलब इतनी फुर्ती होती है ना, इतने एक्टिव होते हैं लोग, ये मतलब मज़े में डांस करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। ये हम लोग सब ऊपर से बालकनी से देख रहे थे, सारे लोग खड़े थे, सारे लोग अपनी अपनी बालकनी से नीचे देख रहे थे विसर्जन होते हुए।
ये गणपति बप्पा मोरिया, गणपति आ गए। ये धीरे धीरे आगे टोली निकलती गई और फिर बस हम लोग बहुत देर तक खड़े थे, लगभग 1 घंटे तक यहाँ पे हम लोग खड़े रहे ऊपर, मज़े कर रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे, बट कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था ये इतने ढोल नगाड़ों में। ये देख रहे हो, ये बच्चे को भी गोद में उठा के डांस करे, मुझे लग रहा था कहीं गिर ना जाए भाई। बच्चे लोग भी काफ़ी एक्टिव थे, बहुत बहुत डांस किया उन्होंने भी। ये देखो ये कैच, यार मुझे तो बड़ा डर लग रहा था छोड़ ना देना वरना हो ही जाएगा। पर बस हम लोगों ने खाना पीना खाया और फिर सोने चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।